जिम्मेदार है। और इसी बीच कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं जो कि नोएडा से इस वक्त मिल रही है। नोएडा के सेक्टर 135 में सी फायर इंडस्ट्री सील कर दी गई है। कोरोना के चलते यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार कोरोना को लेकर लॉकडाउन देश भर में है और लॉकडाउन का पालन जहां नहीं किया जा रहा है वहां कार्रवाई हो भी रही है। और इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर आपको बताएं, नोएडा में सेक्टर 135 में ये सीज फायर इंडस्ट्री है जिसे सील कर दिया गया है। हालांकि यहाँ कोई कोरोना पेशेंट मिला था या फिर यहाँ जरूरी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था या फिर यहाँ मनाही के बावजूद भी क्या कंपनी में काम चल रहा था, ऐसी तमाम बातों का सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे। ललित मोहन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। ललित मोहन, मुझे सबसे पहले ये बताइए ये कंपनी सील क्यों हुई है? इसमें ये सीज फायर इंडस्ट्री है जिसे सील कर दिया गया है। हालांकि यहाँ कोई कोरोना पेशेंट मिला था या फिर यहाँ जरूरी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था या फिर यहाँ मनाही के बावजूद भी क्या कंपनी में काम चल रहा था, ऐसी तमाम बातों का सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे। ललित मोहन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। ललित मोहन, मुझे सबसे पहले ये बताइए ये कंपनी सील क्यों हुई है? नाम की कंपनी है जहाँ पे एक जो विदेशी डेलीगेट आए थे उसके बाद से बराबर एक जो सांक्रेटिक जो है लोग वो रहे। अब 19 लोग जो है एक ही कंपनी की जो है जनपद में ही चुके हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा के अंदर। और हालांकि जो कल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने इस बात की नाराजगी दिखाई थी कि जब कंपनी के अंदर एक विदेशी क्रिकेट आते हैं और उसके बाद भी अंदर नहीं की जाती है, बराबर एक ही कंपनी से जो है लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है तो उसके अंदर तालाबंदी करने की उस कंपनी के अंदर सूची रहा है किसी बात आएगा। ललित, आपकी आवाज ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है लेकिन जितना मैं समझ पाई कि यहाँ पर कुछ कोरोना पॉजिटिव केस मिले जिसके बाद पूरी कंपनी को सील कर दिया गया और अब आगे कार्रवाई की जाएगी। एहतियातन जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उन्हें आइसोलेशन में रखने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। नोएडा का सेक्टर 135 जहां पर सीज फायर कंपनी है ये जिसको फिलहाल सील कर दिया गया है और यहां कोरोना के 16 पॉजिटिव केस मिले हैं। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल एक ब्रेक।